इस देश का सबसे बड़ा घोटाला आजाद भारत का ये अडानी कांड है। देश का 10 लाख करोड़ का निवेशकों का डूब चुका है पैसा, कौन है जिम्मेदार? लिया गया है, आवाज नहीं उठा सकते हम लोग अपनी। तानाशाही है ये, तानाशाही मोदी की, तानाशाही। ये देखिए, देश की जनता के साथ धोखा किया है, 10 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता का लूट लिया है। सबसे बड़ा घोटाला ये, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। हिंदुत्व की चरस गांजा अफीम घोल के इन लोगों को पिला रखी है। पैसा डूब चुका है, बीजेपी के बहकाई में ना आए, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं और हमें यहाँ गिरफ्तार किया जा रहा है, यहाँ लात घुसे मारे जा रहे हैं। और ये तानाशाही कब तक चलेगी अभी देखना होगा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वो किस तरह से दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर रही है और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। देखिए किस तरह से लगातार यहाँ पर जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उनको उठाकर जो है दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और इसी प्रदर्शन के बीच में जो है यूथ कांग्रेस का बड़ा सा प्रदर्शन दिख रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली पुलिस द्वारा जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठाकर जो है ले जाया जा रहा है। ये तमाम देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस ने अरेस्टिंग सिलसिला शुरू कर दिया, कई सारे लोगों को डिटेन किया गया है और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिलसिला शुरू है। ये तमाम देख सकते हैं कि किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लग रहे हैं। ये देखिए किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठा के ले जा रही है। ये तमाम देख सकते हैं कि किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठा के ले जा रही है और ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार यूथ कांग्रेस ये नरेंद्र मोदी ने अपने यार अडानी और अंबानी का फायदा पहुंचाने के लिए देश की जनता का पैसा लूट लिया। 10 लाख करोड़ रुपया लोगों का, निवेशकों का पैसा डूब चुका है और इसका कारण नरेंद्र मोदी है। देख सकते हैं आप किस तरह से, देख सकते हैं किस तरह से देश के अंदर ये तानाशाही चल रही है। हम तो देश की जनता को बता रहे हैं कि डरने वाले लोग हम भी नहीं है, हम भी गांधी के वंशज हैं और हम गांधीवादी लोग हैं, हम हारेंगे नहीं। जब तक सरकार सुनना पड़ेगा और 2024 में जनता उनको सुना देगी जो रिजल्ट आएगा। देखिए 30,000 करोड़ रुपए का अडानी पोर्ट में गांजा, चरस गांजा पकड़ी है, कोई नहीं। ये देखिए किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। प्रदर्शन के बीच जो है यूथ कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन शुरू है और लगातार अरेस्टिंग डिटेनिंग शुरू हो गई है और ये तमाम देख सकते हैं कि किस तरह से जंतर मंतर पर कांग्रेस ने अडानी के खिलाफ और ये जिस तरह से हिडनबर्ग का रिसर्च सामने आया है उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहा था और उसी बीच देखिए कि किस तरह से लगातार डिटेनिंग शुरू हो चुका है। कई सारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से लगातार डिटेन होने का सिलसिला शुरू है, देख तरह प्रदर्शन चल रहा है और तमाम तरीके से देखिए किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा जो है जीप में बैठाया गया है, डिटेन किया गया है और ये तमाम तस्वीरें हैं, देखिए कि किस तरह से जो है पैसे को लेकर जो लगातार प्रदर्शन चल रहा था और जिस तरह से आज पार्लियामेंट में भी लगातार यही प्रदर्शन रहा और देखिए कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी का सामने ये व्यवहार अडानी के साथ होने का था, ये व्यवहार जो चोर बाहर आया होने का था। दोस्ती को निभा रहा है सरकार, दोस्त को निभा रहा है सरकार। जो उनके फेरन लोली है, सफेद फेरन लोली अडानी को लगा के क्लियर करने का काम किया, देश का जनता नहीं छोड़ेंगे हम अडानी के खिलाफ। किस तरह से यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को अरेस्टिंग शुरू हो चुका है और ये देखिए तमाम जो है हमारा लोग बिल्कुल, ये देखो ना, देश का युवा को अरेस्ट कर लिया गया है, आवाज नहीं उठा सकते हम लोग अपनी। तानाशाही है ये, तानाशाही मोदी की, तानाशाही। ये देखिए, देश की जनता के साथ धोखा किया है, 10 लाख करोड़ रुपए इस देश
सामान लूट लिया है, सबसे बड़ा घोटाला ये इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। हिंदुत्व की चरस गांजा अफीम अफीम घोल के इन लोगों को पिला रखी है। इस देश का सबसे बड़ा घोटाला आजाद भारत का ये अडानी कांड है, इस कांड को नहीं छोड़ेंगे। तो कांड आज भी पार्लियामेंट में पूरा अजेंडा रहा मामला, पार्लियामेंट में जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन तो मांग रहे हमने, तो सरकार क्यों डरी है, क्यों छुपे? तो लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के तरफ से अडानी के इस स्कैम के खिलाफ ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन हो रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का पुतला जला रहे हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो है तस्वीरें देख सकते हैं। और पिछले कई दिनों से लगातार जो है पूरे कह सकते हैं कि लोकसभा में जो है लोकसभा अड़चन रहा, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के तमाम लोग जो है ये डिमांड कर रहे थे कि इसको डिबेट होना चाहिए, मगर अभी तक कुछ डिबेट नहीं हुआ। और तमाम तरीके से देख सकते हैं कि SBI और तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर देखिए किस तरह से युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, और ये प्रदर्शन में कई सारी चीज़ें सामने आ रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से LIC और तमाम चीज़ों को लेकर युवा कांग्रेस जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है। पिछले 24 तारीख से ये तमाम जो प्रदर्शन है वो शुरू है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। और ये तमाम तस्वीरें हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जला रहे हैं। आप देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन के बीच में यूथ कांग्रेस के तमाम लोग जो है इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरे तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को ये किया गया है। यूथ कांग्रेस के तमाम बड़े छोटे तमाम लोग जो है इस पर भारत प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अडानी का स्कैम सामने आया और अडानी के स्कैम के साथ दिल्ली पुलिस यहां पर और जंतर मंतर पर किस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो लगातार जो है अडानी और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस, और ये तमाम तस्वीरें हैं कि किस तरह जो है लगातार जो है ये तमाम है कि किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, और इस प्रदर्शन के बीच किस तरह से लगातार जो है युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तमाम तस्वीरें देख सकते हैं प्रदर्शन के बीच कि किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।